हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का। दोस्तों, 2021 का जो भी प्रेजेंट में चल रहा है संस्कृत विषय का, दोस्तों संपूर्ण हल इस वीडियो में लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अन्य वीडियोज़ में यूट्यूब पर दोस्तों, और कोई यहीं पर आपको कोई मात्रा त्रुटि भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है, असही विकल्प चुन करके लिखे उसका आंसर। दोस्तों देख सकते हैं ये कंटिन्यू है जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो ब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इनका भी आंसर ये जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है ये कंटिन्यू है, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सही जोड़ी है, ये उत्तर है दोस्तों, है ना, ऐसे ही आपको भी लिख लेना है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर जो द है ना, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य को पहचान रहा है, ठीक है, कथनों को, तो उनका भी आंसर देख सकते हैं सारे के सारे यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपका उत्तर क्रमांक जो दो है उसका आंसर ये रहा, इतना ही है खाली बस, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये सारे सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, ये तीन आपको बनाने थे, यहाँ पर तीन है, ठीक है। यहाँ पर अब दोस्तों ब है जो ब का आंसर है, उत्तर क्रमांक तीन ब का, ठीक है, ये देख सकते हैं कंटिन्यू आंसर है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं उत्तर क्रमांक जो चार है उसका आंसर ये रहा, डिस्प्ले में देख सकते हैं ये फर्स्ट अ है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये जो उत्तर क्रमांक चार का जो ब है उसका आंसर ये रहा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मात्रा त्रुटि नहीं मिलेगा आपको, काटा पिटी एकदम साफ हैंड राइटिंग में लिखा गया, देख सकते हैं ये उत्तर क्रमांक जो पाँच है उसका आंसर, ये उत्तर क्रमांक छः का आंसर। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, फिर आप इन सबको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर क्रमांक जो सात है ये है, और उत्तर क्रमांक आठ ये है, ठीक है, उसका आंसर सारे के सारे आंसर है भैया ये, ठीक है। दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने हिंदी के, सामाजिक विज्ञान के और विज्ञान के सारे क्वेश्चंस के आंसर डाल दिए दोस्तों इसी चैनल पे, ऑल सब्जेक्ट ग्रुप में, और जितने भी बचे हुए हैं उन सबका भी आंसर इसी चैनल पर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों जो जो आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हैं उनका क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई पांच लिखने थे, जो मेरे को मिले हैं मैं उन सबको यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये आंसर है, ठीक है, ये सारे आंसर हैं जो आपको ऐसे डॉट में दिख रहे हैं ये सब, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करके रखिए यार आप लोग, ठीक है, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि मेरा आप लोग से हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट रहता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर उत्तर क्रमांक 11, इसको ऐसे आपको करना है, कोई पाँच बनाना है तो कोई पाँच मैंने बना दिए यहाँ पर, आप जैसे कि डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, तो जल्दी से लिख लीजिए यार आप लोग जल्दी से, और यहाँ पर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको जो उत्तर क्रमांक 12 है देख सकते हैं वो स्टार्ट है, यहाँ पर कोई दो लिखना है, यहाँ से उत्तर क्रमांक जो 13 है कोई दो लिखना है, उसका भी आंसर यहाँ मैंने दे दिए हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रश्न भी लिखा है ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो किन को सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे हम लोग, दोस्तों ये रहा आपका एप्लीकेशन। दोस्तों इस एप्लीकेशन को लिखने के बाद मैं बता दूं कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, देख सकते हैं ऐसा ही आपको लिखना है, ओके, ये कक्षा 10वीं का ही है भैया, ठीक है, देख सकते हैं मैंने पूरा जूम आउट कर दिया, आप इसको लिख लीजिए आसानी के साथ पॉज करके वीडियो को। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो उत्तर क्रमांक जो 15 है देख सकते हैं, उत्तर क्रमांक 15 उसका आंसर है ये, ठीक है। दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा हाई एचडी में रखा करिए, 480p में, या फिर 720p में रख करके लिखा करिए वीडियो की क्वालिटी को, ठीक है, ऐसे में आपको सारे के सारे वर्ड बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। उत्तर क्रमांक 17, तो आप वही किया करिए, वीडियो की क्वालिटी को 418 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर क्रमांक 19 है, ठीक है। फिर दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर क्रमांक जो 20 है उसका आंसर ये रहा। दोस्तों दोस्तों अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके रख लीजिए यार, क्योंकि वहाँ पर भी मैं रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहता हूँ एजुकेशन से। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर क्रमांक 21। दोस्तों मैंने यहाँ पर चार युक्ति, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोस्तों इंस्टाग्राम में सेंड करूँगा सभी लोगों को, बस आप मेरे को वहाँ फॉलो करके रखिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों उत्तर क्रमांक जो 22 है उसका आंसर ये रहा, ठीक है। तो फाइनली आइए बढ़ते हैं हम लोग, तो उत्तर क्रमांक 24 का आंसर ये रहा दोस्तों, कोई चार देने थे मैंने कोई चार दे दिए यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों ये जो है ये आपका उत्तर क्रमांक जो 25 है उसका आंसर है भैया, ठीक है, ये उत्तर क्रमांक 25 का आपका आंसर है, तो फटाक से नोट कर लीजिए इन सबको आप, ठीक है। सो देख सकते हैं आप इन सबको आंसर को नोट कर लीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि दोस्तों अभी सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर इस वीडियो में आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट मेरा है यार कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिए यार, शेयर जरूर करिए और एक लाइक कर ही दीजिए साथ में। तो दोस्तों हिंदी और सामाजिक ज्ञान और संस्कृत का मैंने आंसर डाल दिया है, नहीं देखा तो पढ़ाई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो दोस्तों फाइनली नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।